आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल सरकार को केंद्र का झटका लगा है। धर्मपाल को हटाने का फैसला केंद्र ने निरस्त कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने धर्मपाल को हटाने का फैसला निरस्त कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के रुख करते हैं अपने संवाददाता अरविंद सिंह का। अरविंद, केजरीवाल सरकार को केंद्र से एक बड़ा झटका लग गया है और धर्मपाल को हटाने का जो फैसला लिया था उसे केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरविंद, एक बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने और केंद्र ने उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें धर्मपाल को हटाने का फैसला लिया था दिल्ली सरकार ने, यानी अब एक तरफ दिल्ली और फिर केंद्र, दिल्ली वर्सेस केंद्र फिर से शुरू हो गया है। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला ये अपूर्व की केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें केजरीवाल की सरकार ने गृह सचिव धर्मपाल को हटाने का आदेश जारी किया था। दरअसल ये वही होम सेक्रेटरी धर्मपाल है जिन्होंने एसीबी प्रमुख के तौर पर मुकेश मीणा की नियुक्ति का आदेश दिया था और उसके बाद केजरीवाल सरकार ने मुकेश मीणा को खत लिखा था और कहा था कि वो एसीबी प्रमुख के तौर पर काम नहीं कर सकते क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर का कोई पद एसीबी में नहीं है और दिल्ली सरकार का अख्तियार है कि वो एसीबी प्रमुख के तौर पर किसी की नियुक्ति करे। तो इसी के तहत इस आदेश को जारी करने वाले धर्मपाल की नियुक्ति को रद्द कर दिया था केजरीवाल सरकार ने, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और एलजी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मामले में धर्मपाल को हटाया नहीं है बल्कि क्योंकि वो केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं और ऐसी सूरत में उन्होंने उन अधिकारी को एक किस्म से लौटाया है, यानी उनका ये कहना है कि चूंकि दिल्ली सरकार को उनकी जरूरत नहीं है तो ऐसी सूरत में उन्होंने केंद्र के उस अधिकारी को दोबारा से केंद्र को लौटा दिया है और फिलहाल वो दिल्ली की किसी प्रशासनिक सेवा में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो टकराव है वो अब चरम पर पहुंच गया है। केजरीवाल सरकार जहां एक और एलजी की तरफ से जो नियुक्ति होती है उनको पदभार संभालने से उन अधिकारियों को रोकती है, वहीं दूसरी ओर जो उस बाबत आदेश भी जारी करते हैं उनको भी हटाया जाता है और उसके बाद केंद्रीय एलजी की तरफ से आदेश आता है और वो केजरीवाल सरकार के फैसलों को रद्द कर देता है। तो ये एक असमंजस की स्थिति है अधिकारियों के बीच में, एक बड़ी भ्रम की स्थिति है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसके आदेश की तामील करें और ऐसी सूरत में जबकि दोनों के बीच का जो टकराव है बहुत चरम सीमा पर है, अधिकारी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के अपने दायित्व को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। ये असमंजस की स्थिति दूर कैसे होगी अरविंद, कैसे तालमेल बैठेगा? ऐसे तो दिल्ली में काम ही नहीं हो पाएगा, सरकार, दिल्ली सरकार और जो केंद्र है आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों में वो उलझते रहेंगे अगर, तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? जिस विकास के दावे को लेकर दिल्ली सरकार में आए थे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। देखिए बिल्कुल, केजरीवाल और केंद्र के बीच ठन गई है और एक शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति के बाद से विवाद चल रहा है और उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो ये नहीं चाहते कि दिल्ली में उनकी नियुक्ति हो क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो खुद दिल्ली सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, उन्होंने बाकायदा गृह मंत्रालय को इसकी शिकायत भी की है। ऐसी सूरत में जबकि दोनों पदों के बीच टकराव बहुत चरम पर है तो अगर ये मामला किसी भी तरीके से अदालत में जाता है तो जाहिर तौर पर अदालत के दखल के बाद ये मामला जरूर सुलझ सकता है, लेकिन जब तक अदालत का दखल इस मामले में नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद।